हेलो फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव रहने वाला है उन कैंडिडेट के लिए जो हिमाचल प्रदेश में गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी कर रहे हैं और वैकेंसी का वेट कर रहे थे। क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको जानकारी देने वाला हूं कि 28 दिसंबर 2019 को हुई कैबिनेट की बैठक में आने वाले समय में किस किस डिपार्टमेंट में कितनी वैकेंसियों को भरने का निर्णय हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट की ओर से लिया गया है। तो देखिए, वैकेंसी की पूरी जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। शनिवार 28 दिसंबर 2019 को हुई बैठक में हिमाचल प्रदेश कैबिनेट की ओर से 350 पदों को भरने का निर्णय लिया गया है। और देखिए, इसमें सबसे पहले एचएस अधिकारी के 10 पदों को भरने का निर्णय लिया गया है। और देखिए, ये पद हिमाचल प्रदेश लोक आयोग शिमला के माध्यम से सीधी भर्ती के माध्यम से आने वाले समय में भरे जाएंगे। इसके अलावा देखिए, पुलिस विभाग में विभिन्न श्रेणियों के 174 पदों को भरने को मंजूरी प्रदान की गई है। इसके अलावा आबकारी निरीक्षकों यानी एक्साइज इंस्पेक्टर के 50 पदों को भरने का निर्णय लिया गया है और जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के 25 पद। इसके अलावा पर्यटन विभाग में विभिन्न श्रेणियों के 23 पदों को भरने को मंजूरी प्रदान की गई है। और देखिए, इसके अलावा लाल बहादुर शास्त्री राजकीय मेडिकल कॉलेज नैरचौक के रेडियोथेरेपी विभाग के कैंसर देखभाल केंद्र में विभिन्न श्रेणियों के 7 पदों को भरने को मंजूरी प्रदान की गई है। इसके अलावा आईजीएमसी शिमला में सीधी भर्ती से रेडिएशन सेफ्टी अधिकारी का 1 पद और चिकित्सा भौतिक विज्ञानी के 2 पदों को भरने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा देखिए, मंडी जिले की बल तहसील के भायराटा, चचोट तहसील के गांव बैला, उप तहसील पांगणा के गांव मसोगल में उप स्वास्थ्य केंद्र खोलने और इन संस्थानों के लिए महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं, पुरुष स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के 3-3 पदों को भरने को मंजूरी प्रदान की गई है। इसके अलावा नंगवाई सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को 50 बिस्तरों की क्षमता वाले नागरिक अस्पताल के रूप में स्थानांतरित करने का निर्णय लिया गया है। और देखिए, इसमें विभिन्न श्रेणियों के 19 पद भरे जाएंगे। और देखिए, इसके अलावा आबकारी एवं कराधान विभाग की कार्यप्रणाली को और बेहतर बनाने के लिए इसमें कराधान निरीक्षकों के 50 पद सीधी भर्ती के माध्यम से भरे जाएंगे। और देखिए, उपायुक्त शिमला कार्यालय में जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के 25 पद अनुबंध आधार पर भरे जाएंगे और अर्की पुलिस थाना के छेड़ खड्ड के सराली में नई पुलिस चौकी खोलने और विभिन्न श्रेणियों के 13 पदों को भरने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा देखिए, आईपीएच यानी सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग में सीधी भर्ती से अनुबंध पर प्रोसेस इंजीनियरों के 5 पद भरे जाएंगे। और देखिए, चंबा में नया जिला पर्यटन विकास कार्यालय और 3 अन्य जिलों में सहायक पर्यटन विकास कार्यालय खोलने और पर्यटन विभाग में विभिन्न श्रेणियों के 23 पदों को भरने को मंजूरी प्रदान की गई है। इसके अलावा देखिए, मंडी के धर्मपुर क्षेत्र के सजाओ, पिपलू सिराज क्षेत्र के बक्सियाड, जोगेंद्रनगर के गुम्मा और जिला सिरमौर के पछाद क्षेत्र के भाल्टा, मछेड़ तथा नैना टिकर पशु औषधालयों को पशु चिकित्सालय के रूप में स्थानांतरित किया जाएगा। और देखिए, इसमें विभिन्न श्रेणियों में 21 पद भरे जाएंगे। इसके अलावा देखिए, मंडी की मणि पंचायत में स्वास्थ्य उपकेंद्र खोलने और देखिए, उसमें 2 पद भरे जाएंगे। इसके अलावा मंडी की बल तहसील के लोहारा उप स्वास्थ्य केंद्र और शिमला के कलणी उप स्वास्थ्य केंद्र को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के रूप में स्थानांतरित करने का निर्णय लिया गया है और इसमें विभिन्न श्रेणी में 2 पद भरे जाएंगे। तो देखिए, ये थी पूरी जानकारी 28 दिसंबर 2019 को हुई कैबिनेट की बैठक में किन किन वैकेंसी को भरने का निर्णय लिया गया है और आने वाले समय में विभाग की ओर से इन वैकेंसी को भरने के लिए नोटिफिकेशन जारी की जाएगी। और देखिए, उस दौरान भी मैं आपको नोटिफाई करूंगा जब विभाग की ओर से इन सभी वैकेंसी को भरने के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी की जाएगी। और देखिए, आज की इस वीडियो में बस इतना ही और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।